असल में सो के आए हैं। हां सो के और क्या, देखिए ना बाल नहीं दिख रहा, कैसा लग रहा बेकार बेकार। अब इतना बार और सो के देखा तो गड़बड़ा जाए। अच्छा आप खिलाएगा तो जहर भी खा लेंगे। अरे जवान ना खिलाए, वो रोटी सब्जी खिलाए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाभी के पास, और भाभी का मैंने आपको वीडियो दिखाया बैक कैमरे से, और अब मिलवा भी रहा हूँ। तो यह हमारी भाभी यूपी बिहार की, हम जैसे लोगों के लिए, मतलब बूढ़े लोगों के लिए नहीं। नमस्ते प्रणाम हर महादेव, कैसन बानी रहो? और कैसन बानी रहो? कैसन बानी रहो? मस्त एकदम। बहुत दूर से आयल बनी है, कहाँ जाएगी? चकचक गर्दा, औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद बिहार से आयल बनी है। अच्छा और कितना दिन रवल है इचार गोरखपुर? दो दिन, एक दिन तो हम लोग स्टेशन पर सो गए हैं। स्टेशन पर सो के आए हैं? हाँ सो के, और क्या, देखिए ना बाल नहीं दिख रहा, कैसा लग रहा बेकार बेकार। अब इतना बार और सो के देखा तो गड़बड़ा जाए। अच्छा अभी कह रहे हैं कि बताइए खाना ना खाए हैं? खाना वाना नहीं खाया अभी। खाना नहीं खाया तो एक काम करिए, वीडियो बंद करिए, आप वीडियो बंद करिए, खाना बना रहे हैं आप खा लीजिए, फिर वीडियो बनाइए। आप खिला, आप खिलाएगा तो जहर भी खा लेंगे। अरे जवान ना खिलाए, वो रोटी सब्जी खिलाए। बहुत बड़ा का फैन है, नहीं चलते। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम खाना जरूर खिलाएंगे और अच्छी खाना खिलाएंगे, रोटी और सब्जी खिलाएंगे, और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग समझ रहे हैं, तो रोटी या सब्जी खिलाएंगे। तो आप लोग जाइए हाथ मुंह धुलिए, तब तक हम रोटी और सब्जी जरूर आपके हाथों से जरूर खाएंगे। तो गाइस अभी फिलहाल भाभी थोड़ी सी बिजी है, और खाना वाना खाएंगे उसके बाद बात करेंगे उनसे। और ये रही भाभी, और भाभी हमारे लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रही है, बस बैठी है, खाना निकाल दिया है, बैक कैमरे से आपको दिखा देते हैं। और खाना में है यहाँ पे रोटी और सब्जी है, प्याज भाभी ने काटा है अपने प्यारी प्यारी हाथों से हमारे लिए, तो जो अच्छी बात है क्योंकि मिर्ची का अचार है, और मिर्ची का अचार है। बैक कैमरे से दिखा दीजिए, बैक कैमरे से दिखा देते हैं। तो आज यह खाना, और यह खाना हम लोग खा रहे हैं गोरखपुरिया भौजी के पास, इन्होंने अपनी प्यारी प्यारी हाथों से निकाला है। और ये हमारे प्रिंस भाई से तो आप लोग जानते ही होंगे यार, हमारे साथ ही घूमते रहते हैं। और इस तरफ है भाभी जी और भाभी जी के बच्चे जो भी घूम रहे इधर उधर। ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ। हाँ। शर्माती है वही ना? ओ नहीं, वो नहीं आती है वीडियो में। और इन्होंने हमारे लिए रोटी बनाया है, क्या नाम है? बबीता बिहारी ब्लॉग, बबीता बिहारी ब्लॉग इनका चैनल है। पालगंज से चलकर स्पेशली भाभी से मिलने यहाँ पे आए हैं, वो भी स्कूटी चलाकर, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़े बड़े फैन है। बच्ची लेकर के? अच्छा इनका बच्ची है, ओ माय गॉड, इनका एक छोटा सा बच्चा है, बच्ची बच्ची इन, इनका एक छोटी सी बच्ची भी है, क्या नाम इसका? आयन। आयन आयन है यार, काफी क्यूट लग रही है। नमस्कार प्रणाम करो, छोटी वीडियो को छुक लगे, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी बजाना नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? चंचन। चंचन, ये भाभी का लड़का है लड़की? लड़की लड़की है, लड़का ऐसा लग रहा था तो। लड़की है ये भाभी का है, लड़की देखिए छोटी छोटी है ना, छोटी चंचन, छोटी इसको सब लोग जानते हैं, इसको कौन नहीं जानता है। ये मस्त है, आगे चल के बहुत बड़ा स्टार बनेगी। तो गाइस फिलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। हमारी एक बहन है, वह काफी बड़ी वाली फैन है आपकी, ऐसे तो बहन बहुत सारी फैन है, क्योंकि पहले ही बताया ज्यादातर आपकी जो सब्सक्राइबर है वो फैमिली टाइप के लोग हैं या महिला या। ये जो प्याज दिख रहा है आपको, यह भाभी ने अपने हाथों से काटा है। और गाइज अब आपको मिलवाने जा रहे हैं गोरखपुरिया भौजी की मंजली बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तो गाइस अभी हमने खाना खाया है, और खाना खाने के बाद भाभी के साथ बात करने वाले थे, लेकिन फिलहाल भाभी अभी नहीं है, देखते हैं कितना देर में बात होता है। लेकिन फिलहाल आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप जान जाइएगा तो मतलब हैरान हो सकते हैं आप। देखिए ये वही है, क्या नाम है आपका? बबीता इनका नाम है, और चैनल का नाम बताइए अपना। बबीता बिहारी ब्लॉग, बबीता बिहारी ब्लॉग, बिहार की रहने वाली है, गोपालगंज से यहाँ पे आई है भाभी के पास। कितना दिन पहले? 5-6 दिन हो गया। सोच सकते हैं भाभी का कितना बड़ा दिल है, 5 दिन से अपने फैंस को अपने घर में रखे हैं, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, 5 दिन से अपने फैंस को अपने घर में रखे, सोच सकते हैं कितना बड़ा बात है। और यह अपने बच्चे के साथ आए हैं, वो भी स्कूटी चलाकर, जब मैं इनसे बात किया तो इन्होंने बताया स्कूटी चलाकर यहाँ पे आए हैं ना। और आपका बच्चा कितने साल का है? 2 साल की बच्ची है, बच्ची है, आई थिंक बच्चा नहीं बच्ची है, और उसको लेकर यहाँ आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मेहनत करने वाले लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई मेहनत ही करना पसंद नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और गांव जो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मेरा वहां पे जीना मुश्किल हो गया था, और फिर मैं सोची थी कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े,
और फिर से मैं सोची कि अब मैं जाऊंगी भाभी के पास, तो फिर वहाँ से मैं गुस्से में निकली थी क्योंकि रात में मुझे मेरे पास कॉल आया था और बहुत मनो खराब खराब बात को बोला, तो मैं वहाँ से सुबह में निकल गई और फिर स्कूटी से मैं गुस्सा में आई यहाँ पर और भाभी बहुत खुशी थी मेरी। गाइस आप सब समझ सकते हैं कि जब कोई शुरू करता है सब तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं यार लोग, जब हमारे जैसे लोगों का मजाक उड़ता है तो हम लोग लड़के फिर भी है तो लड़की है, इनका कितना मजाक उड़ता होगा, मैं समझ सकता हूँ भावनाओं को। तो अभी फिलहाल ऐसा होता है कि मेरे मन जितना चाहने वाला मेरे रिश्तेदार के लोग हैं वो मेरे पास फोन भी नहीं करते। ओह माय गॉड, पहले फोन करते थे और अब नहीं करते हैं। जब पैसा कमाने लगेगा तो वही लोग बताएगा ना सबको कि ये जो लड़की है ना ये हमारे मामा के मामी के मामा के मामा की बेटी है, मतलब लोग रिलेशन जोड़ता है जब फेमस हो जाएगा जब पैसा कमाने लगेगा, ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में। तो अब मैं चाहूँगा कि आप इनका सपोर्ट करें और फिलहाल अभी हम लोग भाभी के आने का वेट करेंगे, लेकिन यह ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और इनसे भी बाय बोलवाएंगे, बाय बोल दीजिए एक बार। हेलो दोस्तों, आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे भी बढ़ाइए, मुझे भी आगे बढ़ाइए क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ और बहुत मजबूरन में यहाँ पर आना पड़ा। ये भी सुन लीजिए, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे खास रिश्तेदारी में शादी पड़ा था, मुझे कोई नहीं बुलाया, मैं उस दिन बहुत रोई थी बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, लगातार मेहनत कीजिए, मंजिल नज़दीक है। और गाइज अभी फिलहाल भाभी आएंगे तब तक टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन भाभी के लिए स्पेशल ब्लॉग लेकर हम लोग आएंगे 10-15 मिनट का वीडियो, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा। तो आइए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप भौजी के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें यार, भाई को सपोर्ट करें, बहुत दूर से हम भी आए हैं ये भी आए हैं, यह तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आए हैं बच्चों को लेकर के। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय बोल दीजिए। बाय बाय।